नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल AIC क्लासेस पर। इस सीरीज का सेकेंड वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया था, कृपया करके उस क्लास को सभी लोग देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। तो कल मैंने ब्रश और ब्रश गियर तक का टॉपिक ख़त्म किया था। तो अभी तक मैंने आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, आर्मेचर कोर, पोल शू, ब्रश, कम्यूटेटर, इन सब के बारे में बता दिया है। आप लोगों के स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है यह एक नॉर्मल रूप से कह सकते हैं कि एक डीसी मशीन का फ्रंट व्यू है। एक डीसी मशीन का अगर हम उसका ढांचा पूरा खोल दें तो हमको कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जो ये पूरा सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, पूरा घुमावदार, जिससे के अंदर सब कुछ है, इस पार्ट को बोलते हैं योक, ठीक है। तो योक जो है, एक तो आपको समझ में आ रहा है कि पोल कोर इस योक से जुड़ा हुआ है, तो अर्थात योक जो है वो पोल को सपोर्ट करता है, पोल उसी पे टिका रहता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि योग जो है, अभी जो इसमें से फ्लक्स पैदा होगा तो जो मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड होगा, तो मैग्नेटिक पाथ जो कंप्लीट करना होगा, तो ये नहीं कि यहाँ से फ्लक्स पैदा होकर यहाँ आए, इस फ्लक्स को यहाँ से वो जाना है, मतलब यहाँ पोल से निकल के आर्मेचर में जाना है, आर्मेचर से फिर एन से एस में जाना है, फिर वापस यहाँ पर जो आना है इसको, तो यहाँ पर कैसे आएगा, ये योग के थ्रू आएगा। तो योग का दो काम हो जाएगा, ठीक है, जो अभी मैं आगे लिखवाऊंगा। पहला काम होगा ये पोल को सपोर्ट करता है, अर्थात स्टेटर की वाइंडिंग, जैसे ये आर्मेचर यहाँ पे रोटर है, पोल कोर क्या है, स्टेटर है। तो स्टेटर की वाइंडिंग जो है वो पोल पे ही स्थित रहेगी, ठीक है। तो और दूसरा काम क्या रहेगा, यह फ्लक्स को, पोल से निकलने वाले फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इतना आपको समझ आ गया। आगे फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन किया है। यहाँ देखिए करंट जो है अलग अलग दिशा में ऐसे ऐसे जा रही है, लेकिन करंट तो यहाँ से आ रही है, तो और करंट जब यहाँ से आ रही है तो ये लगभग ऐसे है, यहाँ से जा रही है और फिर यहाँ से वापस आ रही है, ठीक है। तो उसी में क्वाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस प्रकार करेंगे कि एक पोल में N बनना चाहिए, एक में S बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये S पोल होगा, ओके। तो इस प्रकार से क्वाइल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो चारों पोल है, चारों पोल की क्वाइल जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। वो भी कैसे जुड़ी हुई हैं, एक यहाँ से इन हुआ है, फिर वही तार, वही क्वाइल या वही कंडक्टर घूमते घूमते सब में आके फिर यहाँ से वापस हो गया है, ठीक है। इस कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो जो चारों क्वाइलें होंगी वो आपस में, चारों पोल की क्वाइलें होंगी, जो फील्ड क्वाइलें होंगी वो आपस में सीरीज कनेक्शन में जुड़ी होंगी, ठीक है, ठीक। तो अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ योग का काम, कि योग का क्या काम है, ठीक है। तो हेडिंग जो मैं कल बोल रहा था कि योग मैं बताऊंगा, तो पहले आप योग लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ योग लिखिए, मतलब योग का कार्य, ठीक है। पहला काम क्या है, यह स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर अर्थात पोल को सपोर्ट करता है, दूसरा काम क्या है, यह पोल से निकलने वाली वाले फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड
करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली दो ही काम होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि योग का काम क्या है, अंदर जितने भी अन्य पार्ट हैं उनकी सुरक्षा करना, लेकिन ये तो गंवारों वाला रीजन हो गया। मतलब आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इंजीनियरिंग इंजीनियरों जैसा रीजन दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। बाकी योग में अभी और कुछ नहीं है बताने लायक, जितना एग्जाम में पूछता है ये वाला जो है फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब कुछ पॉइंट मैं लिखता जाऊँगा नॉर्मली विदाउट हेडिंग के, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, उसको सीधा आप लोग उतारिएगा और सीधा रट लीजिएगा। समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो रट लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, सभी पोल की क्वाइल एक दूसरे से सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है। एक ही अब हो गया। अब मैं फ्लक्स जो निकलेगा इसमें से, उसका मैं पाथ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका पाथ ध्यान दीजिएगा कि किस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं दो पाथ दिखा रहा हूँ आपको, उतना ही ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक फ्लक्स ऐसे निकला और एक फ्लक्स ऐसे निकला, ठीक है। तो कुछ फ्लक्स होगा वो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि एन है, एन से निकल के फ्लक्स को कहाँ पहुँचना है, एस में पहुँचना है, ठीक है। तो ये एन है तो यहाँ पे एस मिला, और चूँकि करंट सेम ही है, करंट तो सब में सेम फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर दूसरा करंट होता तो यहाँ ना आता, लेकिन करंट का सोर्स एक ही है। तो इस ये जो एन है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा इस वाले एस में आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ऐसे ऐसे आ गया। अब हम जानते हैं कि कोई भी, कल मैंने बताया था कि कोई भी कोर होता है, कोई भी, जैसे ये कोर इससे लगा हुआ है, तो इस यहाँ पे हम नहीं अभी प्रदर्शित किए, लेकिन अभी मैं आगे बताऊँगा। कोई भी कोर होता है तो अगर हम उस पर एक कॉइल ऐसे जोड़ दें, ऐसे कॉइल जोड़ दें, और इस पर करंट की ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन बन रहा है, मान लीजिए ऐसे हम करंट रखेंगे, ऐसे करंट रखेंगे, ये थंब रूल से ऐसे अगर करंट की दिशा हाथ के उंगलियों की दिशा में हो, तो यहाँ पे अगर एन बन रहा है तो यहाँ पे अगर करंट ऐसे चल रहा है तो अंगूठे की दिशा में एन बनेगा, मतलब फ्लक्स इधर से निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एस बनेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं अगर एक सिरे पे एन है कोर के, तो दूसरे सिरे पे एस अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर एस बना है तो यहाँ पे एन अपने आप बनेगा ना। तो चूँकि करंट की वैल्यू सेम है, इसमें जो करंट हुआ है इसमें करंट है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती ही है, तो ये वाला फ्लक्स जो होगा ये इसी में एडअप होके इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर से भी अगर एक ऐसे निकल रहा है, ठीक, तो इसकी दिशा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहेगी, ऐसे इधर से इधर हो गया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर से यहाँ निकला, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक। और ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ठीक। अब ये यस पोल है ना, अब यहाँ पे ये ऐसे निकलेगा अगर, ठीक, तो ये एन हमारा यहाँ से निकला और ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ से एन निकला और यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे यस अपने आप बनेगा, यहाँ पे यस है तो यहाँ पे एन अपने आप बनेगा, यहाँ पे एन बन रहा है तो यहाँ पे एस अपने आप बनेगा, और यहाँ पे एस बन रहा है तो यहाँ पे एन अपने आप बनेगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये वाला फिगर याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, योग भी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। अधिकतर योग जो होता है छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, किसका बना होता है,
कास्ट आयरन का, और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का, ठीक है। बड़ी मशीन्स में कास्ट स्टील और छोटी मशीन में कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। कास्ट आयरन का क्यों बनता है, कास्ट स्टील का क्यों बनता है, ये मशीन के आकार पे क्या फर्क डालता है। कास्ट आयरन पे क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, कास्ट आयरन का परमेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन छोटी मशीनों में हम वेट का ध्यान नहीं देते हैं कि कितना वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कास्ट आयरन की ज़्यादा मात्रा लगती है, तो हम छोटी मशीनों में कास्ट आयरन लगा देते हैं। बड़ी मशीनों में क्या होता है, बड़ी मशीनों में अगर कम पैरा परमेबिलिटी का मटेरियल लगाएंगे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बड़ी मशीनों को बनाते समय हम क्या कंसिडरेशन रखेंगे, उसके वेट का, और छोटी मशीनों में बनाते समय हम क्या क्या कंसिडरेशन रखेंगे, चिपनेस का। कास्ट आयरन सस्ता मिलता है और कास्ट स्टील महंगा मिलता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसकी परमेबिलिटी लो होती है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है, तो परमेबिलिटी लो होने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना इसका महंगा होने से नुकसान हो जाएगा। अगर हम कास्ट स्टील लगाएंगे तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कास्ट, आप समझे होंगे। अगर आप जैसे, अगर मान लीजिए आप इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल किए, हाई स्कूल के बाद आपको दो मौका मिला, या तो आप डिप्लोमा कर लीजिए या तो इंटर कर लीजिए, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना, तो इस एक चीज़ को छोड़कर दूसरे चीज़ को पाना, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है। ये इकोनॉमी का एक चीज है, ये कंसेप्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है, अगर आपने डिप्लोमा किया होता तो एक साल बाद हो सकता है आप जेई बन गए होते, लेकिन आपने इंटर किए तो इंटर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क की नौकरी पाएंगे जिसका ग्रेड पे होगा 2600 रुपये या 2400 रुपये, और आप जेई बन जाएंगे, एक साल और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक आप अगर जेई बन जाते, अगर डिप्लोमा किए होते, तो उसका ग्रेड पे क्या है 4600 रुपये, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, दोनों एक साथ नहीं मिलता। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपने डिप्लोमा को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया तो इसलिए आपने इंटर नहीं किया, या अगर इंटर करके आपने डिप्लोमा किया तो इसलिए आपने ग्रेजुएशन नहीं किया। तो ग्रेजुएशन की जगह आपने डिप्लोमा को जैसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, वैसे ही छोटी मशीनों में महंगाई, मतलब सस्ता होना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, न कि भारी होने से। बड़ी मशीनों में सस्ता महंगा नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि मशीन बड़ी हो, मतलब पूरा काम कर सके और हल्की भी हो, ठीक है। तो ये होता है, अब हमारा ये हो गया। तो योक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, ठीक है, ये होता है। ये मैंने बताया था, ये पोल कोर है, पोल कोर हमारा जो है वो लेमिनेटेड कब होगा, कब लेमिनेट करेंगे, जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो। बड़ी मशीनों में ज़्यादा वेरिएशन होता है फ्लक्स में, की वैल्यू में, नहीं तो उसमें नहीं करेंगे। पोल शू हमारा ऐसे से क्या रहेगा, वेरिएबल लेमिनेटेड रहेगा। पोल शू में फ्लक्स में परिवर्तन हमेशा होता है, ठीक है। ये मेरे साथ ही फिगर बनाते चलिएगा, हम कोशिश करिए कि हमेशा फिगर बनाते के हाथ से बनाएं, न कि बुक में उसको रहने दें, ठीक है। जो भी बुक में फिगर हो उसको हाथ से अपने यहाँ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पोल शू जो होगा वो लेमिनेटेड होगा। लेमिनेटेड क्यों होगा, क्योंकि ईडी करंट लॉस को कम करना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इसके पोल शू के पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है उसके मान में परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से ईडी करंट लॉस पैदा होता है, ठीक है। अब हम नॉर्मल में एक फिगर बनाऊंगा जिससे हम मैं आगे का प्रिंसिपल समझाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया है, मैं नॉर्मल फिगर बनाऊंगा, उसमें ये क्वाइल वाइल नहीं दिखाऊंगा, उस पर मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा क्रॉस और डॉट का। वो अब मैं आगे वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा। मैं यहाँ पे अगर आप लोग ये नाम अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। इस सेक्शन को बोलते हैं पोल कोर, ये जो आगे निकला हुआ है पोल के नीचे, पोल शू रहेगा। पोल शू मतलब क्या होता है, शू मतलब जूता होता है, पोल का जूता, तो इसको नीचे कहते हैं। पोल शू का काम क्या होता है, कल मैंने लिखवाया था कि ये क्वाइल को सपोर्ट करता है प्लस फ्लक्स को स्प्रेड करता है, फ्लक्स को स्प्रेड करता है। तीसरा काम क्या मैंने लिखवाया था, ये देखिए एरिया बढ़ गया, पहले इसका एरिया मात्र इतना था, अब इसका एरिया इतना हो गया, तो ये एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा देगा तो मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस कम हो जाएगा। तो पोल शू का ये काम होता है। आर्मेचर कॉइल ये आप जान ही रहे हैं, ये मैंने अभी गोला गोला दिखाया है, ठीक है। मतलब ये स्लॉट में ऐसे ही वाइंडिंग होती है, अब इसको मैं आर पर्थ ऐसे ऐसे नहीं दिखा सकता था, तो अब आप लोगों को समझ नहीं आता। तो समझने के लिए आर्मेचर कॉइल ऐसे होती है,
कम्यूटेटर इसके अगर हम जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये पॉइंट है, ये पेन है मान लीजिए, सॉरी ये पेन है। अब इसको मैं ऊपर से अगर देखूंगा, इसको जस्ट ऊपर लाइए कैमरे को, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये पेन नहीं, मुझे सिर्फ एक क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये टिप दिख रही है पेन की, ये टिप दिख रही है, और ये किनारे किनारे काला सा हिस्सा दिख रहा है ना, और नीचे ये कितना बड़ा है नहीं दिख रहा है ना। सेम उसी प्रकार अगर कोई शाफ्ट है, इसे फ्रंट व्यू बोलते हैं, आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो टॉप व्यू क्या है, टॉप व्यू ये है, ठीक है, टॉप व्यू ये है पेन की, फ्रंट व्यू क्या है ये है, साइड व्यू क्या है ये है, ठीक है, साइड व्यू यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक ना। तो साइड व्यू ये रहेगा, टॉप व्यू ये रहेगा, फ्रंट व्यू ये रहेगा, ठीक है। अब कैसी पेन रखी हुई किस हिसाब से, उसी प्रकार अगर हम कम्यूटेटर को देखते हैं, साफ्ट आर्मेचर कोर को देखते हैं, आर्मेचर कोर जिस पे आर्मेचर वाइंडिंग की गई है, आर्मेचर कोर जो है वो साफ्ट पे जुड़ा हुआ है और कम्यूटेटर भी साफ्ट पे जुड़ा हुआ है, उसको अगर हम ऐसे सामने से देखेंगे तो ये लगेगा कि सामने कम्यूटेटर है, उसके चारों तरफ क्या है, ये क्या लगेगा, ये आर्मेचर कोर लगेगा। यहाँ पे ये छोटा दिखने में लग रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा जो सामने से ये फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये छोटे छोटे भागों में जो बांटा गया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट है। कल मैंने हल्का सा बताया था कि नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, मतलब आर्मेचर में जितने ज़्यादा कॉइलें होंगी उतना ही उसी के बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, और कम्यूटेटर इस पूरे को कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर को मैंने बताया था कि वो एक सॉलिड पीस का नहीं होता, उसको छोटे छोटे में भागों में बांटते हैं जिससे कि स्पार्किंग कम हो सके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्पार्किंग पैदा होती है, ठीक है, ये सब आगे का पार्ट है। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को डीसी या डीसी को, माफ़ करिएगा, अल्टरनेटिंग करंट को यूनिट डायरेक्शनल करंट या यूनिट डायरेक्शनल करंट को अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने का काम होता है कम्यूटेटर का, ठीक है। अब यूनिट डायरेक्शनल और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, ये अगर आपको कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें याद आएगा, बाकी मैं अभी बता दे रहा हूँ। यूनिट डायरेक्शनल करंट इस करंट को बोलते हैं, ये करंट है यूनिट डायरेक्शनल करंट। इसका मतलब क्या है कि इस देखिए करंट की वैल्यू में या वोल्टेज की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है, ये जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, लेकिन अंतर क्या है बाई डायरेक्शनल से, बाई डायरेक्शनल करंट ये है, मतलब जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मिनिमम एकदम माइनस में वैल्यू जा रही है। तो दोनों दिशाओं में जब वैल्यू जाए, जैसा कि एसी में होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट में होता है, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। और जो डीसी जनरेटर के थ्रू हमको करंट मिलती है वो कम्यूटेटर के थ्रू होते हुए एसी को जो बाई डायरेक्शनल को यूनिट डायरेक्शनल बोलता है वो ऐसा होता है, और हमको बैटरी के थ्रू जो मिलता है, तो अगर इसको एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस माने, तो बैटरी के थ्रू कुछ ऐसा वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि वो एक समान वैल्यू रहेगी, कभी भी जीरो या कभी भी मैक्सिमम ऐसा नहीं होगा, जब तक बैटरी चार्ज है वो हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो डीसी, प्योर डीसी बैटरी वाली ऐसी रहेगी, और ये कौन सी है, ये है आपकी जनरेटर वाला डीसी, ठीक है, ये जनरेटर वाला डीसी ऐसा रहेगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आर्मेचर कोर है, इस पूरे हिस्से को आर्मेचर कोर बोलते हैं, ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। अब स्पीकर को तैयार कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन पे, ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, सॉरी डीसी जनरेटर, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि कंडक्टर में करंट की दिशा को बताने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, वो कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मशीन समझना है तो उस कंसेप्ट को बहुत समझना है। इसको कहते हैं एरो कंसेप्ट, या कुछ भी बोल सकते हो, पॉइंट एंड एरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक एरो नॉर्मल गांव में आपने बनाया होगा, सरपत के पेड़ से एरो बनाया होगा, तो एक एरो जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक, और ये ऐसा ऐसा कुछ एरो होता है ना, एक एरो ऐसा होता है। ये एरो मान लीजिए आपकी तरफ आ रही है, जब आपकी तरफ आएगी तो ये एरो, मतलब ये है पेन, ये जब आपकी तरफ आ रहा है तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमको सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो जब हमारे तरफ आएगी, जब एरो हमारे तरफ आएगा, आएगा
तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, है ना। इसको प्रदर्शित करेंगे ऐसे, एक पॉइंट हमको सिर्फ दिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जब हम इसको एरो को जाते हुए देखेंगे, मान लीजिए ये एरो का ये तीर वाला भाग है जहाँ से हम, ये सामने वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है, तो पीछे देखिए अगर ये एरो है, ये क्रॉस टाइप का बना हुआ है, तो इसका यहाँ पे हमको क्रॉस टाइप का दिखे ना, तो इसको देखेंगे, जब एरो हमसे दूर जाएगा, हमसे दूर तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे दूर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे दूर जाएगा, हमसे दूर जाएगा मतलब ये आगे आगे वाला पोर्शन उस साइड से रहेगा, ऐसे ऐसे दूर जाएगा, जब एरो हमसे दूर जाएगा, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला चीज़ हमको दिखेगा, तो जब एरो हमसे दूर जाएगा तो क्रॉस, क्रॉस मतलब ये का निशान दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। तो सेम इसी हिसाब से इससे हम कहेंगे कि जब करंट हमारे तरफ आएगी तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ठीक। और दूसरा है, जब करंट हमसे दूर जाएगी तो सिर्फ क्रॉस मतलब ये दिखेगा, ठीक। अब ये करंट हमसे दूर जाएगी या पास आएगी ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोर है, ठीक है, ये कोर है ना। एक मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये तार गया है, ये ऊपर इसके ऐसे लपेट गया, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे तार गया ऊपर गया, तो यहाँ से फिर नीचे होके आ गया ना, तो यहाँ नीचे वाले हिस्से को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फिर यहाँ से निकला ये, यहाँ से ये निकला, फिर यहाँ से निकल के ये ऐसे हो गया ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये निकल के ऐसे हो गया, फिर ये निकल के इधर आ गया, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया ना। इसको फिर मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक, करंट यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, करंट ऐसे आई फिर यहाँ नीचे चली गई, तो अगर मैं इसको देखूँगा, अगर मैं इसको देख रहा हूँ, तो नीचे जाने पे मुझे कैसा दिखेगा, नीचे जाने पे मतलब मैं मानूँगा कि नीचे जा रही है, तो मतलब मेरे से दूर जा रही है। तो सेम यही एक कंडक्टर है और इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉइल ऐसे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे कॉइल दिखाऊंगा, एक कॉइल इधर, एक कंडक्टर इधर, इधर से कंडक्टर निकला, ये निशान बताता है कि दोनों तरफ वही कंडक्टर है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ पे गया, यहाँ पे ये नीचे गया तो हमसे दूर गया, जब हमसे दूर गया मतलब, तो मैंने क्या बताया, जब करंट हमसे दूर जाएगी तो सिर्फ क्रॉस दिखेगा, तो इस पॉइंट में मुझे क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, ठीक। फिर यहाँ से नीचे आते हुए फिर ये ऊपर की तरफ आई तो मतलब मेरे सामने आ रही है, ठीक है। सॉरी, मेरे से सामने आ रही है, तो मेरे सामने जब आ रही है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे पॉइंट दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जब करंट हमारे तरफ आएगी मतलब मेरे तरफ सामने आएगी, तो ये इस पॉइंट पे हमको क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। फिर यहाँ से इधर गई, फिर ये फिर नीचे गई मतलब मेरे से दूर गई, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्रॉस
और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, और फिर यहाँ पे पॉइंट से होते हुए यहाँ से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपको क्रॉस और पॉइंट का मतलब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैकवर्ड करके एक बार और देखिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये होता है, करंट जब नीचे की तरफ जा रही है तो मतलब हमसे दूर जा रही है, और जब नीचे से ऊपर आ रही है तो हमारे तरफ आ रही है, ये बस ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। और जिस पॉइंट पे, जहाँ जिस मतलब कंडक्टर के जिस हिस्से पे, मतलब ऊपर आते समय अगर यहाँ पे पॉइंट बना है तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, मतलब एक तरफ से अगर आ रही है तो दूसरी तरफ तो जाएगी भी ना करंट, तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे पॉइंट बना है तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा। अब हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटर का, तो हम लोग जानते हैं डीसी जनरेटर के बारे में, जितना जानते हैं उसमें ये है कि डीसी जनरेटर जो है वो वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और किस प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डीसी एनर्जी, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसमें पहला कंसेप्ट ये है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये जो है एनर्जी कंजक्शन, एनर्जी कन्वर्जन जो होता है, यह क्या करते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिद्धांत पे काम करता है। अभी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ऐसा तो है ना कि आपने पहली बार इसको सुना होगा। तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है जो प्रेरण का मतलब समझते हैं, स्वप्रेरण की वजह से, जो जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो जो स्वप्रेरण की वजह से पैदा हो जाए वो स्वप्रेरण की वजह से या म्यूचुअल इंड्यूस्ड डीएमएफ की वजह से भी जो पैदा होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड डीएमएफ कहलाता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड डीएमएफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड डीएमएफ, एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड डीएमएफ। उसका फार्मूला जो होता है वो होता है ई इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, डीवी बाई डीटी मतलब वोल्टेज में परिवर्तन की वजह से वो पैदा होता है, ठीक है, या एन डीफाई बाई डीटी फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से, उसमें फ्लक्स घूमता नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स हमारा घूमेगा या कंडक्टर घूमेगा, वहाँ पे फ्लक्स भी स्थिर रहेगा, मतलब फ्लक्स घूमेगा नहीं और वहाँ पे कंडक्टर भी स्थिर रहेगा, बस उसमें क्या होगा, उसमें फ्लक्स की वैल्यू हमारा ऐसे चेंज होगी, वहाँ पे जो होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में फ्लक्स की वैल्यू करंट के साथ चेंज होती है, क्योंकि करंट के फेज में ही फ्लक्स पैदा होता है और इस वेरिएबल की वजह से ही वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। परंतु यहाँ पे क्या होगा कि फ्लक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे हमने इस वाले फिगर में देखेंगे अगर ये सपोज मानिएगा कि ये हमारा आर्मेचर है, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये घूमने लगेगा कंडक्टर। अब घूमने लगेगा, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर ए है, अब ये घूमेगा जब तो घूम के ये ए यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए पहले फ्लक्स यहाँ पे इसमें लिंक हो रहा था मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आया तो मिनिमम हो गया जीरो। तो जब जीरो फ्लक्स लिंक होगा, यहाँ पे तो कोई फ्लक्स नहीं है ना सामने, तो जीरो जब फ्लक्स लिंक होगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज इस कॉयल में कोई वोल्टेज नहीं होगा, फिर यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे फिर फ्लक्स पैदा हुआ, फिर मैक्सिमम आया, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, है ना, तो ऐसे ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग पे करती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वह उसकी वैल्यू जो है, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, आर्मेचर में लिंक होने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि आर्मेचर हमारा घूम रहा है बेचारा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसे कहते हैं। अब उसकी वैल्यू जैसे हम निकालते हैं कि उसकी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ई इज इक्वल टू एन डी वी बाई डी टी होता है, या सॉरी एल डी डी आई बाई डी टी होता है या एन डी वी बाई डी टी होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, उसी प्रकार डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वह ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, सॉरी माफ करिएगा, साइन थीटा होती है। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होता है उसकी वैल्यू इसके थ्रू निकाला जाता है, बी एल वी साइन थीटा, क्लियर। बी क्या है? बी हमारा फ्लक्स डेंसिटी है। एल क्या है? एल हमारा आर्मेचर कंडक्टर की लंबाई है, लेंथ है। और वी क्या है? वी हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, वी यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब किस स्पीड में हमारी आर्मेचर मेरा घूम रहा है, वो है। और थीटा क्या है? थीटा ये है कि फ्लक्स, जो फ्लक्स है, फ्लक्स का जो लाइन ऑफ फ्लक्स होगा उससे आर्मेचर का जो प्लेन है वह कितने एंगल पे है। तो इससे हमारा एक हमारा कंसेप्ट पैदा होता है इस थीटा से। तो कब हमारा जीरो होगा, कब हमारा मैक्सिमम होगा, उसे हम मैं सीधा सीधा लिखवा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल कंसेप्ट है और किसी काम का नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा जो मैं लिखवा रहा हूँ वही उसमें से पूछेगा, तो उसको सीधा सीधा याद करिएगा, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे, जब क्वाइल का प्लेन कौन से क्वाइल का? आर्मेचर क्वाइल का, ठीक है। क्वाइल का प्लेन लाइन ऑफ फ्लक्स के मतलब कि फ्लक्स की लाइन के, लाइन ऑफ फ्लक्स के 90 डिग्री पर हो। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पर हो, तो क्या होगा उस टाइम? उस टाइम क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वह मैक्सिमम उससे लिंक होता है, ठीक है। जैसे ये लाइन ऑफ फ्लक्स जा रहा है, ये लाइन ऑफ फ्लक्स जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए कि ये ऐसे लाइन ऑफ फ्लक्स जा रहा है और ये चौड़ी सी चीज़ हो। मान लीजिएगा, मैं अभी एसी के रिमोट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ये लाइन ऑफ फ्लक्स गया और ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारा कॉइल तो यहाँ पे है, तो ये क्या है, प्लेन तो इसका 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन उसमें क्या है, पूरे में ऐसे लिंक हो गया ना, लेकिन वेरिएबल नहीं है। मतलब फ्लक्स लिंकेज जो है, चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, वो मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स लिंक जो होगा वो जीरो होगा, तो फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा, वो यहाँ पे लिंक वो हो जाएगा, निल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, लाइन ऑफ फ्लक्स के 90 डिग्री पर हो तो फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम होगा, परंतु फ्लक्स लिंकेज में जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है लिंकेज में परिवर्तन मिनिमम होगा। इसी वजह से वोल्टेज भी मिनिमम पैदा होगा, मिनिमम पैदा होगा। आइडियली कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और इस यहाँ पे आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, प्लेन ऑफ लाइन फ्लक्स से नहीं, यहाँ पे क्वाइल का प्लेन ऑफ लाइन फ्लक्स से वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन क्वाइल के प्लेन का लाइन ऑफ फ्लक्स के से वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री है। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे, ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, बी एल वी इंटू जीरो बराबर जीरो, ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरा कंसेप्ट लिखिएगा, जब
आर्मेचर कॉइल। कप्लेन, लाइन ऑफ फ्लक्स की पैरेलल में हो, पैरेलल में हो मतलब, पैरेलल मतलब जीरो डिग्री पे हो, पर हो, पर हो तो फ्लक्स लिंक्ड जो होगा वह फ्लक्स लिंक्ड हो, फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, होगा होगा, परंतु फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन मैक्सिमम होगा, ठीक है, होगा, इसी वजह से वोल्टेज मैक्सिमम पैदा होगा, ठीक, वोल्टेज मैक्सिमम पैदा होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब भी ये किसी भी फार्मूले में साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या कुछ भी हो, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी, उसमें थीटा की वैल्यू, जिस थीटा की वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त हो, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना जा सकता है, माइनस वन से प्लस वन तक, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू, ये तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू भी ऐसे ही जाएगा माइनस वन से प्लस वन तक, दोनों का कॉस थीटा का, लेकिन थीटा बराबर जीरो पे, थीटा बराबर जीरो पे कॉस थीटा क्या होगा, वन होगा, और साइन थीटा क्या होगा, थीटा बराबर जीरो पे साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो अगर हमको किसी भी फार्मूला, कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा दिया हो और उससे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसकी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बी एल वी आएगा ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ई इक्वल टू बी एल वी, ठीक है, कॉस थीटा दिया हो तो उसमें भी ई इक्वल टू बी एल वी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस बी एल वी या जीरो, जो भी कह लीजिए, ठीक है, अगर यूनिट बाई डायरेक्शनल है तो जीरो माइनस वन, और यूनिट डायरेक्शनल है तो जीरो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे पैरेलल है, पहला अंतर, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेड मैक्सिमम है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेड मिनिमम है, दूसरा अंतर, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन जो हो रहा है वो मिनिमम है, और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन जो हो रहा है वो मैक्सिमम है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, और यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन अगर मिनिमम होगा तो वोल्टेज मिनिमम पैदा होगा, फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन अगर मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम पैदा होगा। आर्मेचर कॉइल का प्लेन लाइन ऑफ फ्लक्स के अगर पैरेलल में होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम पैदा होगा, आर्मेचर कॉइल का प्लेन लाइन ऑफ फ्लक्स के 90 डिग्री पे होगा तो वोल्टेज मिनिमम पैदा होगा, फ्लक्स लिंक्ड अगर मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मिनिमम पैदा होगा, फ्लक्स लिंक्ड अगर मिनिमम होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम पैदा होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, कोई अच्छा एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ज़रूर इसमें से देने की कोशिश करेगा, अगर मैं पेपर बनाऊँगा तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इस कंसेप्ट को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट में बताइएगा, मैं कल फिर रिवीजन करूँगा, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा इसी के क्रम में, अभी मैंने वर्किंग प्रिंसिपल समझाया नहीं है, ये वर्किंग प्रिंसिपल अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये उसके की भूमिका बना रहा हूँ, अब वर्किंग प्रिंसिपल अब शुरू होगा। वर्किंग प्रिंसिपल जैसे डीसी जनरेटर है, समझिए आप डीसी जनरेटर, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन ये जनरेटर है या मोटर है, तो अगर जनरेटर रहेगा तो जनरेटर से हम क्या निकालते हैं, करंट लेते हैं ना, तो हमको फाइंड आउट क्या करना होगा,
वोल्टेज है ना, वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर, वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास रहेगा क्या, मेरे पास रहेगा फ्लक्स रहेगा, घुमाते हैं इसका मतलब कि स्पीड रहेगी, मतलब कि रोटेशन की दिशा, रोटेशन की दिशा रहेगी क्योंकि उसको घुमाएंगे। अब हम मैं ये भूमिका क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगाऊंगा। वो कंसेप्ट कौन सा रहेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। तो जनरेटर के केस में ये रहेगा, ये प्राप्त करना है, ये दोनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और मोटर के केस में क्या होगा, मोटर के केस में हमको रोटेशन, हमको स्पीड पता करनी होती है। हम उसमें मोटर से क्या लेते हैं, मोटर से कोई चीज़ घुमाते हैं, घुमाने वालों की उससे हम स्पीड पता करते हैं। तो रोटेशन की दिशा, की दिशा हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास रहेगा क्या, फ्लक्स रहेगा और वी और करंट, वोल्टेज और करंट हम उसमें देते हैं ना मोटर में, तो वोल्टेज और करंट रहेगा, ठीक है। ये हो गया, तो रोटेशन की दिशा हमको निकालनी है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, फ्लक्स इसमें देखिए दोनों में है, फ्लक्स इसमें दोनों में है। तो लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग के दो रूल हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, लेफ्ट हैंड रूल बताता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा कि, हमेशा ध्यान दीजिएगा, FBI, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक याद कर लीजिएगा, FBI से याद कर लीजिएगा। F मतलब फोर्स की दिशा, BI मतलब, B मतलब फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स की दिशा, और I मीन्स आर्मेचर में बहने वाली करंट की दिशा, ठीक है। तो दोनों हाथों में हम ऐसे बनाएंगे, ये दोनों हाथों में FBI, F हमेशा अंगूठा रहेगा, B हमेशा ये वाली उंगली रहेगी, ठीक है, ये पहली वाली उंगली, और बीच वाली उंगली क्या रहेगी, I रहेगी। लेकिन अंतर कहाँ होगा, अंतर होगा मोटर में हमको फोर्स की दिशा निकालनी है, हमको ये दोनों पता रहेगा, बी और आई पता रहेगा, और फोर्स की दिशा निकालनी है। और जनरेटर में हमको फोर्स पता है, किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ये हमको पता है, फ्लक्स पता है दोनों में, तो फ्लक्स इसमें भी पता होगा, लेकिन हमको करंट की दिशा निकालनी है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जनरेटर में कौन सा रूल लगेगा फ्लेमिंग का, और मोटर में कौन सा रूल लगेगा। तो जनरेटर में कौन सा रूल लगता है, जनरेटर में फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का रूल लगता है, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो डीसी जनरेटर में, जनरेटर में फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का रूल लगता है, और क्यों लगता है, वोल्टेज या करंट की दिशा बताने के लिए, क्योंकि जनरेटर में क्या निकालना है हमको, वोल्टेज या करंट। डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब जो पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज या करंट की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है। और मोटर में क्या लगता है, मोटर में जस्ट उल्टा लगेगा, लेकिन उसका यहाँ पे पर्पज क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज या करंट की दिशा निकालना, यह पर्पज मोटर में चेंज हो जाएगा। डीसी मोटर में, मोटर में घूमने की दिशा मतलब रोटर जो है हमारा किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इसको पता करने के लिए, घूमने की दिशा पता करने के लिए फ्लेमिंग का
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, लगता है पता करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर्पज हमारा दोनों में चेंज हो रहा है, करंट की दिशा और घूमने की दिशा, क्लियर। तो ये यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अब हम लगाएंगे कैसे, सबसे जटिल समस्या तो यही है कि हम लगाएंगे कैसे। तो हम एक डीसी जनरेटर बनाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। मैं रफ फिगर बनाऊंगा क्योंकि ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, ये हो गया हमारा योक, ठीक है। तो ये मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ये मेरा योक है, योक, उसके बाद ये पोल हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं दो पोल बना रहा हूँ, ठीक है, दो पोल से समझाना ज़्यादा आसान रहता है और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, उम्मीद यही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, कंडक्टर। अब इस पे मैंने ये रख दिया कंडक्टर, सपोज ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर। ये हमारा बन गया एन पोल, ये हमारा एस पोल। अब वो कैसे बनेगा वो मैंने पिछले अभी टॉपिक पे बता दिया है कि कैसे उस पर वाइंडिंग होती है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे एन लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि एन से फ्लक्स निकलेगा और एस में जाएगा। तो एन से यहाँ से ऐसे निकला, अब ये यहाँ से यहाँ पे तो है नहीं, ये इसके ऐसे घूम के जाएगा, एन से फ्लक्स यहाँ से ऐसे निकला और सीधा इधर आ गया, क्लियर। ये हमारा फ्लक्स हो गया, फ्लक्स की दिशा कैसे हो गई, ऐसे हो गई, क्लियर ना। अब मान लीजिए हम मैं इस कंडक्टर को, फ्लक्स एन से निकल के एस में जा रहा है, ठीक है, तो फ्लक्स की दिशा कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब मान लीजिए इस कंडक्टर को, आर्मेचर कंडक्टर को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा इधर, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, मतलब कि ऐसे, क्लियर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। अब मुझे इसमें कौन सा रूल लगाना है, अब हमको इसमें पता क्या करना है, ये कंडक्टर है ना, अब इस कंडक्टर में करंट की दिशा पता करनी है। करंट की दिशा मतलब कि करंट हमारी तरफ आ रही है कि नीचे जा रही है, यहाँ पे एन के पास में और एस के पास में, तो करंट हमारी तरफ आ रही है कि नीचे जा रही है, वो मेरे को पता करना है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे इसका, इस फोर्स की दिशा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर ये समझ लिए तो सब समझ लिए, ठीक है। ये क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब कि इधर ये ऐसे घूम रहा है, फिर इधर ऐसे घूम रहा है, फिर इधर ऐसे घूम रहा है, फिर इधर ऐसे घूम रहा है ना, कुछ ऐसा घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस पॉइंट पे ये किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है बस, और इधर इधर फ्लक्स की दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको सीखना है सबसे आसान तरीके से, आसान तरीके से सीखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है, इसको कागज को पलटिए और राइट हैंड रूल लगाइए। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये क्या बताता है, ये वाली उंगली क्या बताती है हमारी, ये वाली उंगली बताती है कि फ्लक्स की दिशा किधर है, ये ऐसे है, फ्लक्स किधर है, ऐसे है। इस पॉइंट पे हमारा, यहाँ पे देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो अंगूठा किधर हो जाएगा बेचारा, FFBI, तो फोर्स इधर है ना, तो अंगूठा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये लाइन की दिशा में है, तो ऐसा कुछ हो गया ना, तो हमारी ये वाली उंगली कहाँ जा रही है, ये वाली उंगली नीचे की तरफ जा रही है, मतलब करंट जो है इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जब जाएगा तो हमको पता है
कि करंट हमसे दूर जाता है, नीचे की तरफ जाने के लिए करंट हमसे दूर जा रहा है, और करंट हमसे दूर जाएगा तो इन सब कंडक्टरों में कैसी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस होगा, क्लियर, यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो N के सामने वाला हो गया, S के सामने कैसे होगा, S के सामने हम देखेंगे यहाँ पे फ्लक्स की दिशा कैसी है, यहाँ पे भी फ्लक्स की दिशा ऐसी ही है क्योंकि S में घुस रही है तो फ्लक्स की दिशा ऐसी है, लेकिन लेकिन यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे हो गया फोर्स, अब अंगूठा ऐसे हो गया और ये लाइन इधर हो गई, ठीक है, लाइन इधर हो गई, फोर्स इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया और लाइन, लाइन तो उसी दिशा में थी, बस लाइन को हम ऐसी उंगली को पलट दिए, तो अब हमारा ये उंगली किधर दिख शो कर रहा है, उंगली ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ऊपर की तरफ करंट आती है तो मेरे पास आ रही है, पास आ रही है तो यहाँ पे डॉट बनेगा, माफ करिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट, ठीक है, मतलब अब इसको मैं इधर समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कंडक्टर जो है इस वाले कंडक्टर में क्रॉस बनेगा, इस वाले कंडक्टर में डॉट बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसको आप याद भी कर सकते हैं अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो एन पोल के सामने, एन पोल के सामने हमेशा क्या बनेगा, अगर एन पोल इधर हो तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, यहाँ पे डॉट बनेगा, एन के सामने जो बनेगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनेगा। तो आपको दोनों तरफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये दोनों तरफ इसलिए निकाल के बताया हूँ क्योंकि ये बता रहा था कि आप उस इस फ्रेमिंग के राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, आपको बस अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पे अगर क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट अपने आप बन जाएगा, और ये मैंने प्रूफ भी कर दिया कि यहाँ पे डॉट बन रहा है और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर अभी होगा जब आप इसको समझ लेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, करंट की दिशा निकल गई है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इस हिसाब से इसका हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किस हिसाब से करते हैं, जनरेटर कितने प्रकार का होता है, तो फील्ड की वाइंडिंग आर्मेचर से किस हिसाब से जुड़ी हुई है, आर्मेचर के सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है तो सीरीज वाइंडिंग बोलेंगे, सीरीज जनरेटर बोलते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में अगर जुड़ा है तो पैरेलल जनरेटर बोलते हैं, डीसी पैरेलल जनरेटर, ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर। और अगर फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया गया है, कुछ कुछ हिस्सा पैरेलल में है, कुछ हिस्सा सीरीज में है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड वो होता है जिसमें दोनों फील्ड एक दूसरे का सहयोग करे, जो दो अलग अलग फील्ड हैं वो एक दूसरे का सहयोग करे तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड, और दोनों फील्ड एक दूसरे का विरोध करे तो डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे का मैं कल समझाऊंगा, आगे ये टॉपिक फिर से मैं बताऊंगा, तो आज के लिए इतना ही, ठीक। बाकी आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आज के और पुराने जो जितने भी लेक्चर हैं सबका आपको PDF प्रोवाइड होगा, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए, जो भी इलेक्ट्रिकल का बंदा है, चाहे वो डिप्लोमा कर रहा है, चाहे वो ITI कर रहा है या BTEC भी कर रहा है, ठीक है, BTEC करने वाले बंदों को जो कि इंटर के बाद जाते हैं उनको भी आप जितना ही आता है जितना आप डिप्लोमा करने आते हैं, ठीक है, तो ये सबके लिए ज़रूरी है, और BTEC वाले बंदों को तो खासकर ज़रूरी है क्योंकि वो हमेशा न्यूमेरिकल के पीछे भागते हैं, उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तथा ही साथ ही साथ इसको लाइक भी करिए वीडियो को, ठीक है, और जल्द से जल्द इसका व्यू बढ़ाइए आप लोग, आपसे बस यही उम्मीद है, धन्यवाद।